हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। और इधर सोनी जी भी सो रहे हैं और अभी मुझे पॉलिन नो। तो आज क्या है ना कि नाश्ते में बथुए के पराठे बनेंगे। तो बथुए को उबाल कर रख दिया था ठंडा होने के लिए, तो ठंडा हो चुका था। फिर मैं इसे पीस रही हूँ अभी मिक्सी में। और ये कल मिर्ची पीसी थी तो मिक्सी में जो रह गई थी उसको पानी डालकर निकाल लिया। तो अभी इस पानी को ना इसी में बथुए के मिक्सर में डालूँगी। और अभी पता नहीं क्या हुआ कि मिक्सी ख़राब हो गई चलते चलते, और बथुआ पिसी नहीं रहा था। बस एक बार ही पिसा और दूसरी बार पिसा तो मिक्सी चल ही नहीं रही थी, चलते चलते ख़राब हो गई। बस थोड़ा सा ही बथुआ पिसा इसमें, अभी बिल्कुल चल ही नहीं रही है। दो तीन बार चलाकर भी देख लिया, नहीं चल रही। चलो इसे तो बाद में देखेंगे अब क्या हुआ। तो इसी को मैंने धो करके इस पे बथुआ पीस लिया। और आज अगर ये सिलना होती तो बथुआ पता नहीं कैसे पीसता। तो कभी कभी हमारे काम ना टूटी फूटी चीज़ें भी आ जाती हैं। तो ये सिलना टूट गई थी तो मैंने इसको मतलब बाहर फेंका नहीं, उठा के ही रख लिया था। तो अभी इस पर चटनी भी पीस लेती हूँ कभी कभी। और बथुआ आज जैसे बथुआ भी पीसने के काम आ गई। मिक्सी ख़राब हो गई थी तो कम से कम बथुआ तो पीस गया इसके ऊपर। अगर ये सिल नहीं होती तो बथुआ भी नहीं पीस पाता। तो बस बथुआ पीस लिया था और उसके बाद मैंने बथुए को आटे में मिलाकर आटा गूंद लिया पराठों के लिए। और अभी इसे रेस्ट के लिए रख देंगे और फिर उसके बाद बनाऊंगी मैं पराठे नाश्ते के लिए सबके लिए। और इधर खुशी पापा के साथ बैठी हुई है, पापा से बातें कर रही है। तो अभी उठ कर आई है और अभी जाएगी तैयार हो करके। तो बस पापा के साथ ऐसे ही खेलती रहती है। और फिर मैंने चाय बना ली थी, चाय बन गई तो उसको मैंने थर्मस में करके रख दिया क्योंकि सब साथ में बैठ जाएंगे। तो मैं गरम गरम पराठे सेक कर देती रहूँगी। तो चाय मैंने इकट्ठी बना ली इसमें। और अभी खुशी भी नहा धोकर आ गई है, आशु भी आ गई है और सोनी जी भी हैं। तो बस सबके लिए मैं गरम गरम पराठे सेकती जा रही हूँ और सब खाते जा रहे हैं। और पराठे तो बथुए के गरम गरम ही अच्छे लगते हैं क्योंकि अब थोड़ी मौसम भी ठंडा हो गया तो ठंडे हो जाते तो अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो मैंने कहा मैं सीखती जाती हूँ और खाते जाओ। तो पराठे वैसे किसी को ज़्यादा पसंद नहीं है हमारे घर में, मुझे ही ज़्यादा पसंद है। और मैं ही क्योंकि ब्रेड से अच्छे तो पराठे सही रहते हैं, ब्रेड क्या है मैदा ही है। पर पराठे ज़्यादा किसी को पसंद नहीं आते लेकिन मुझे तो पराठे ही पसंद है। तो जब कभी भी बनाती हूँ तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि सब खाएं पराठे, ब्रेड ना खा करके। बस सबके लिए इसीलिए आज पराठे सेक रही हूँ।
और गरम गरम रहते हैं ना तो करारे करारे अच्छे लगते हैं खाने में। तो बस सबको नाश्ता मैंने करा दिया और अब मैं ले जा रही हूँ अपने लिए चाय पराठे। तो ये मैंने अपनी प्लेट लगा ली है और साथ में ले लिया अचार भी। तो गाइस कर लीजिए नाश्ता, बतौर के पराठे और चाय। और सोनी जी भी आ गए, न्यूज़पेपर देना। नाश्ता कर लिया? हाँ कर लिया। कर लिया? सबको मैंने पराठे बना खिला दिए और अब मैं कर रही हूँ। हेलो, आज मैंने 3 पराठे खाए हैं। मैंने 5। जिस दिन क्योंकि 5 पराठे खाएगी उस दिन मैं प्रसाद बांटूंगी। एक पराठा खाया इतनी बड़ी लड़की ने। तो अभी नहीं, ये सामान भारी पड़ा हुआ था, मैंने सोचा चलो इसको उठाकर कबर्ड में रख देती हूँ। तो इस बार जब मैं भैया दूज पे गई थी ना तो भैया दूज पे ये सामान मिला था, तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या मिला था। तो इसमें कॉपर के गिलास जो इस बार भाभी ने अपनी तरफ से दिए थे, तो वो भी दिखाती हूँ मैं खोल करके। अभी दिखाती हूँ, ये देखिए गाइस। और अच्छा खासा साइज है, ये नहीं कि छोटे हैं, मीडियम साइज है। और ये एक बेडशीट है, जब मैं दीदी के घर गई थी तो दीदी ने मुझे दी थी ये बेडशीट। कॉटन की है ये, 2 पिल्लो कवर है। और ये छोटी वाली सिस्टर ने सबको बैग दिए थे भैया दूज पर, तो ये उसने दिया था बैग। दो पॉकेट है इसमें और एक अंदर भी पॉकेट है। तो गाइज मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।